सीरियल नजर में हो गई है एक नई एंट्री और वो कोई और नहीं बल्कि वो है विदाश्री की बहन कलाश्री और पूरे राठौर परिवार को अपने कब्जे में करने के लिए कलाश्री आ गई हैं। अब ये तो आपको यू मियां टीवी दिखा ही चुका है कि कलाश्री के आते ही घर में आ गया है नया तूफान हर किसी को अपने वश में करने के लिए। कलाश्री राठौर परिवार में ले आई है डाइन शीशा और ये वही डाइन शीशा है जिससे पूरा राठौर परिवार उस शीशे में कैद हो जा रहा है और घर के हर एक सदस्य का डाइन स्वरूप ले रहा है उस शख्स की जगह। जी हाँ, कलाश्री ने कर लिया है पूरे परिवार को इस शीशे में बंद और राठौर परिवार से सिर्फ अंश और प्रिया इस शीशे में कैद होने से बच गए हैं। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि कलाश्री के प्रकोप से अंश भी ज्यादा देर तक बच नहीं पाए और वो भी इस शीशे की चपेट में आ जाते हैं। अंश भी बन गए हैं अब डायन अंश और अब सिर्फ बची है प्रिया। ऐसे में देखना ये होगा कि डायन अंश कैसे बनाते हैं प्रिया को डायन प्रिया। आइए अब आपको अंश के ही पास लेकर चलते हैं और जानते हैं इस डायन शीशे के बारे में। एक्चुअली घर में एक डायन शीशा आया है और डायन शीशे में जो भी उसके सामने जाता है या जो भी उस शीशे में देखता है तो जो एक्चुअल कैरेक्टर है वो अंदर घुस जाता है और उसी कैरेक्टर का जो नेगेटिव स्वरूप है, जो डायन स्वरूप, वो बाहर आ जाता है। तो पूरी फैमिली के साथ भी वही हुआ है, अंश के साथ भी वही हुआ है। अंश और प्रिया ने मिलकर बहुत कोशिश की कि परिवार वालों को बचाया जाए इससे, बट वो ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाए इसमें और डायन अंश अब बाहर आ चुके हैं और एक्चुअल अंश जो है वो शीशे के अंदर कैद हो चुके हैं। अंश, आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे? अचानक से राठौर परिवार पर इतना बड़ा तूफान कैसे आ गया? दरअसल मेरी मौसी जी यानी कि मेरी माँ जो है वेदश्री, उनकी बहन आई है कालाश्री और कालाश्री पूरे मतलब मोटिव के साथ आई है कि वो पूरे परिवार को बुराई की तरफ, काली शक्तियों की तरफ खींच लेगी और इसी वजह से वो ये डायन शीशा साथ में लेकर आई है। अंश, क्या प्रिया को डायन बनने से बचा पाएंगे या फिर प्रिया भी बन जाएंगी डायन प्रिया? हाँ, कहीं ना कहीं प्रिया बहुत चालाक है, प्रिया एक दैविक है, तो प्रिया जानती है कि वो ऐसे ट्रैप में ना फंसे, ऐसी कोई भी सिचुएशन में ना फंसे कि वो शीशे को फेस कर ले। तो इसी वजह से डायन अंश ने ये प्लान बनाया है कि प्रिया को वाटर रिफ्लेक्शन में कैद करके फिर उसे काली दुनिया में भेज, मतलब उसका जो डायन स्वरूप है वो बाहर निकाला जाए। वैसे अंश, आप पर चाहे जितनी भी मुसीबतें आ जाएं, लेकिन जो आपका प्यार है परिवार के लिए वो दुनिया की सारी ताकतों से बढ़कर है। ऐसे में इस बार अपने परिवार को कैसे बचाएंगे आप? होपफुली सक्सेसफुल हो, बट कहीं ना कहीं अंश और प्रिया का जो प्यार है, अंश का परिवार के तरफ जो जो ताकत है उसकी, वो बहुत ज़्यादा है। चाहे कितनी भी काली शक्तियाँ कोशिश कर ले, अंश का प्यार और उसके परिवार का साथ हमेशा जीतेगा। वेल, अंश अब कलाश्री की बुरी नज़रों से अपने परिवार वालों को कैसे बचाते हैं और इन सब में प्रिया कैसे देती है अंश का साथ, ये देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग। मुंबई से जारा खान की रिपोर्ट, E24।